किच्छा में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ दो शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से 315 बोर के दो अवैध तमंचा, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए। पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ यूपी के बिलासपुर थाने में हत्या सहित कई मामले दर्ज हैं। किच्छा कोतवाली में नगर निवाड़ी ने मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा कि दो आरोपियों ने उनसे 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगते हुए रंगदारी ना देने की दशा में उनके युवा पुत्र की हत्या करने की धमकी दी। हरिंदर सिंह की तहरीर पर किच्छा पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तलाश शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को लग्जरी कार के साथ उस समय गिरफ्तार कर लिया जब दोनों आरोपी किच्छा में हत्या की बड़ी वारदात को अंजाम देने आए थे। किच्छा कोतवाली में मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी मनोज कुमार ने बताया कि पुलिस ने रुद्रपुर निवासी जिशान को, रामपुर जिले के थाना बिलासपुर निवासी सुलेमान को सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए जिशान के ऊपर 12 लाख रुपये कर्जा हो गया था, जिसके बाद उसने अपने साथी सुलेमान को साथ लेकर हरेंद्र सिंह को डरा धमका कर 10 लाख रुपए की फिरौती वसूलने की योजना बनाई थी। फिलहाल किच्छा पुलिस की मुस्तैदी के चलते क्षेत्र में बड़ी वारदात होने से टल गई। किच्छा पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं एसपी सिटी मनोज कुमार ने बताया कि बिलासपुर थाना क्षेत्र में दोनों आरोपियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी हो चुकी है। आरोपियों पर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज है। इनमें एक ये बादी हरेंद्र पुत्र महेंद्र हैं, जिनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिनमें एक व्यक्ति जिशान नामक व्यक्ति के द्वारा अपने एक साथी के साथ इनसे पैसे मांगे गए, रंगदारी मांगी गई और न देने के दशा में इन पे जान से मारने की, इनके पुत्र को जान से मारने की बात कही गई। तो उसी आधार पर जो प्रकरण था काफ़ी गंभीर था और गंभीरता के दृष्टिगत इसमें टीम गठित की गई और इसमें दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और इनसे कुछ असलाह भी बरामद हुए हैं और इनमें से एक व्यक्ति जो है उस पर 302 और गैंगस्टर अटैक के तहत कार्रवाई की गई है रामपुर में और इनसे पूछताछ की जा रही है और इसमें काफ़ी पहलू और भी हैं इस पूरे घटनाक्रम में, उनकी भी बारीकी से जाँच की जाएगी और इसमें जो भी अन्य तथ्य आते हैं प्रकाश में उसके हिसाब से भी कार्रवाई की जाएगी।